Good morning, students. Now we shall solve exercise number 13.4, question number 5. Question number 5 says that. Convert the following percentage into decimal. यानी percentage को किसमें change करना है? Decimal में change करना है. ठीक है? Convert the following percentage into decimal. Question number 5. 0.456%. 0.456%. यही जाना है. 0.456% है, नो ब्रेक नहीं है. 0.456%. कन्वर्ट ऑफ फलन परसेंट इन टू डेसिमल, यानी इस परसेंट को किसमें चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज टू द वैल्यू ऑफ परसेंटेज 0.456 इंटू 1500. 0.456 अपॉन 100. Here in denominator there are two zero, no? Then decimal will replace in left direction. How many place? Two place. Because number of zero is two. Zero kitna number hai? Two hai na. So two decimal hoga. Two place left direction mein move rahega. ठीक है? Here we can write 0.0056. ठीक है, जब भी किसी भी परसेंटेज को हमको और उसमें डेसिमल लगाओ, जब भी इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, सॉरी इसमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना हो, तो परसेंटेज को जरूर ध्यान रखिए. ठीक है, परसेंटेज को वैल्यू रखते हुए फिर उसको 0.5 कैलकुलेट की 0.456 अपॉन 100. फिर यहाँ पर देखना है कि डिनोमिनेटर कितने जीरो है, दो जीरो है. तो पॉइंट को किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर कंडीशन डिवाइड कर रहा है. डिवाइड कंडीशन में जो पॉइंट होता है हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक है, तो ये जो होगा ये भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा. कितने प्लेस करेगा, कितने जीरो है, टू जीरो. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बी सी एंड डी यू मस्ट सॉल्व. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट 20% ऑफ 300. 20% ऑफ 300. क्वेश्चन नंबर 6 ए, कैलकुलेट 20% ऑफ 300. वही क्वेश्चन है जो पिछले काफी में हमने पढ़ा था. ठीक है, इसको लिख सकते हैं 20% ऑफ 300. डिफरेंट भी लिखे गए 20% इंटू 300. टिकट भी लेते हैं 20/100 इंटू 300. यार डबल इवन डबल इवन क्या था, 20 × 3 यार 60. यानी 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू 60 एंड द वैल्यू ऑफ 300 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू 60. यानी 300 का 20% इज इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा. इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, 8, and 9. नाउ वी शैल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन, प्रॉफिट एंड लॉस.
प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो राज चैप्टर है कितने कोई भी चैप्टर ऐसा बचा नहीं तो पढ़ाया नहीं गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, सब खत्म हो गया सब। चलो देखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट किसे करते हैं, लॉस किसे करते हैं। ठीक है, लेसन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो सम डेफिनेशंस ऑफ प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। देन वी स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आप लोग उस डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्ट प्राइस क्या है, व्हाट इज फर्स्ट प्राइस, व्हाट इज सेल प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। ठीक है, फर्स्ट द प्राइस एट विच वी बाय एनी थिंग्स, द प्राइस एट विच वी बाय एनी थिंग्स, वो प्राइस जिसमें आप किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। जैसे सामने पर आ जाता है वो पेन खरीदने को, उसको 5 रुपये देते हैं। ठीक है, वो एक पेन देता है, तो उस पेन का जो कास्ट प्राइस हुआ, ठीक है, वो पेन का जो कास्ट प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 5 रुपीज। वो कास्ट प्राइस कितना हुआ, 5 रुपीज। ठीक है, द प्राइस एट विच वी बाई एनी थिंग्स इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे मान लो हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो यदि कोई थिंग्स खरीदते हैं, सपोज स्वीट खरीदते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, 1 पीरियड स्वीट खरीदते हैं, इसके लिए स्वीट करते हैं 700। ठीक है, इसके लिए पेड करते हैं 700 रुपीज। ये जो 700 रुपीज हुआ ये अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट में सीपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेल प्राइस, इसको स्टार्ट में क्या लिखते हैं, सीपी, इसको स्टार्ट में क्या लिखते हैं, एसपी, सेल प्राइस। द प्राइस एट विच वी सेल एनीथिंग, वो प्राइस जिसमें हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेच देते हैं, वो क्या होता है, सेल प्राइस होता है। जैसे मान लो हम लोग शॉपिंग करने के जाते हैं, एक नोटबुक खरीदते हैं, मान लो वो 50 में देता है। ठीक है, तो जो शॉप जो नोटबुक कितने में खरीदे, 50 में खरीदे, वो शॉपिंग पर कितना बेचा, 50 में जहाँ जो शॉपिंग पर इसको 50 में बेच दिया नोटबुक को, तो शॉपिंग पर के लिए 50 रुपीज़ क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यानी नोटबुक का सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी जिसके जिसपे कोई वस्तु जिस मूल्य पे कोई वस्तु क्या हो बेची जाए उसे क्या कहते हैं, सेल प्राइस। द प्राइस एट विच एनी थिंग्स विल बाय, ठीक है, इट्स कॉल्ड सेल प्राइस ऑफ द थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट का फार्मूला होता है क्या, वो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है। सपोज करो कोई वस्तु हमने खरीदा 50 रुपीज में और उसको बेचा 70 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, एस पी जिसका जो 70 है ये 50, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लॉस, लॉस तो होता है व्हेन सीपी
ग्रेटर देन एसपी, जब सीपी किससे बड़ा हो, एसपी से बड़ा हो, ठीक है? व्हेन सीपी ग्रेटर देन सीपी ग्रेटर देन एसपी देन कंडीशन विल लॉस, इसका कंडीशन होगा लॉस का कंडीशन होगा लिखेंगे लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी सपोज आज बाय ऑपरेटिंग थिंग्स इसका वैल्यू 100 और स्टिल प्राइस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 50 हियर वी सी दैट सीपी इज ग्रेटर देन एसपी आउटपुट द वैल्यू ऑफ सीपी एंड एसपी का फार्मूला लॉस इक्वल टू सीपी इक्वल टू 100 माइनस एसपी इक्वल टू 80 हियर 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 एंड लॉस इक्वल टू 20 रुपीस लॉस इक्वल टू 20 रुपीस वन थिंग्स we should always launch in condition of profit SP is greater than CP in condition of profit SP is always greater than CP and condition of loss CP is greater than SP और loss की condition में हमेशा जो CP होगा SP से बड़ा होगा ठीक है now we shall study this problem about profit percent and loss percent profit percent and last percent one things in formula of profit percent and last percent always should be remember by you in profit percent and last percent profit percent and last percent always calculate in CP always calculate in CP and CP पे ही उसको क्या किया जाता है calculate किया जाता है इसको profit percent को या last percent को profit percent को जो होता है profit अपॉन सीपी इनटू 100 प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 एंड लास्ट परसेंट इक्वल टू लास्ट अपॉन सीपी इनटू लास्ट अपॉन सीपी इनटू 100 क्लियर हो गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 लास्ट परसेंट इक्वल टू लास्ट क्वांटिटी 200 हियर वी सी दैट प्रॉफिट परसेंट एंड लास्ट परसेंट आर बोथ कैलकुलेटेड एट सीपी आर बोथ कैलकुलेटेड एट सीपी ओके नाउ वी शैल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1 वी शैल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1 See, question number first. In each case, calculate the profit or loss. The case may be. यानी question कह रहा है, calculate कीजिए कि profit हो रहा है या loss हो रहा है, ठीक है? Exercise 14.1, question number 1. Given that CP equal to CP means cash price equal to RS 250 rupees 250 rupees here and SP equal to 300 rupees 300 rupees and SP equal to 300 rupees now here we see that SP is greater than CP SP जो है CP से बड़ा here SP is greater than CP. Condition will किसका condition होगा? Profit का condition होगा. Then profit equal to SP minus CP. देखो ऐसे question को देख के कैसे पता लगाएंगे कि सीना profit होगा या loss होगा? तो सबसे पहले देखेंगे CP बड़ा है या SP बड़ा है. SP बड़ा हो तो profit और CP बड़ा हो तो loss. ठीक है? SP minus CP. 300 minus CP is 250 and 50 profit is now 50 clear ho gaya next dekho iska niche liye kya diya hai CP equal to
1250 rupees. S T equal to कितना है? 1100 rupees. 1100 rupees. ठीक है? ये भी सीट है। सीट ही ग्रेटर था ना S T ना? जो सीट ही है S T से बड़ा है ना? ठीक है? तो हो जाएगा ये लास्ट कंडीशन में लास्ट लास्ट equal to C T minus S T CP equal to 1250 minus 1100 ये हो जाएगा ना हो जाएगा 0 0 0 0 5 0 0 0 5 2 0 1 1 इसमें आएगा 150 रुपीस इसका हो जाएगा लॉस यानी हमारा क्या हो लॉस ठीक क्वेश्चन नंबर सेकंड ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी एंड डी सी और डी आपको साफ कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सेड इन ईच केस कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट एट द केस में भी यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमको फाइंड करना है ठीक है चलिए देखिए सेकंड एक क्या कर रहा है सीपी इक्वल टू कितना दिया था सीपी इक्वल टू 200 CP equal to 200. SP equal to 300. ठीक है? CP equal to 200 and SP equal to 300. ठीक है? Here we see that. SP is greater than CP. Here we see that. SP is greater than CP. Now, profit equal to SP minus CP. SP minus CP. SP equal to 300 minus CP. 200. Here, profit equal to 100 rupees. Na? Profit equal to 100 rupees. Here, we have question said by profit percent on profit percent. We know that. Profit percent is equal to profit upon CP into 100. Profit percent profit कितना है? 100 upon CP कितना है? 200. 200 into 100. तब जब 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 200 को 200 का प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 आ रहा समझ में कोई कंफ्यूजन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड बी क्वेश्चन नंबर सेकंड बी CP equal to 400 CP equal to 400 and SP equal to 1100 SP equal to 305 rupees 350 rupees here we say that CP is greater than SP condition is loss loss equal to CP minus SP CP minus SP and 400 minus 350 and 50 rupees क्या होगा समाप्त ठीक है ये तो होगा लॉस परसेंट इक्वल टू
loss upon CP into 100. Loss of value become 50 upon 50 upon CP demand 400 into 100. Okay, double the value of 225 125.5. Okay, last percent equal to 12.5. Last percent equal to 12.5. Okay, see next question. Question number 3. A shopkeeper buy 3 articles for Rs. 580 rupees and 430. He is able to sell these articles for 434 rupees, 620 rupees, and 400 respectively. Find the profit or loss of shopkeeper on the board. Any three things to buy here, any और दूसरा है प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है टोटल बिजनेस में. ठीक है, यानी टोटल बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ठीक है, तो पहला पार ये राइट दैट मैटर्स गिवन इन द क्वेश्चन. जो मैटर दिए गए हैं क्वेश्चन में उसको राइट कर देंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 गिवन बाय सीपी वन इक्वल टू CP1 कितना है? CP1 है 350 रुपीस. 350 रुपीस. CP2 इक्वल टू CP2 इक्वल टू 580 रुपीस. CP3 इक्वल टू 438 रुपीस. 488 रुपीज. ठीक है, अब देखो SP1 कितना है. SP1 इक्वल टू 434 रुपीज. 434 रुपीज. SP2 इक्वल टू है 620 रुपीज. 620 रुपीज. SP3 इक्वल टू 400 रुपीज. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल सीपी एंड second we have to find total SP and then we calculate profit or loss. Now CP1 plus CP2 plus CP3 plus CP1 300 plus 500 plus 430. ठीक है, इसको ऐड करो 5 3 5 8 8 4 12. ठीक है, 80 80 160 160 हो गया. 12 पहले क्या था, यानी 3060 हो गया. 3060 में ये 38 हो गया. देखो 1390 इन फॉर टोटल सीपी जो हो गया 1398 98 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91 458 99 91
434 rupees plus 620 rupees plus 400 rupees.
ठीक है, ऐड कर लो, तो 6 10 10 को 14 14 और 34 और 20 कितना हो जाएगा, 34 और 20 54, ठीक है, ये 14 और 54 जी 1454 रुपीस, ये क्या हो जाएगा, यानी एसपी इक्वल टू 1450 रुपी 54 रुपी एंड सीपी इक्वल टू 1390 है, ये भी सी है, एसपी इज ग्रेटर देन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी कंडीशन है प्रॉफिट, कंडीशन किसकी होगी, प्रॉफिट की होगी, तो प्रॉफिट की इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी माइनस सीपी एसपी कितना है 1454 रुपीज माइनस 1398 रुपीज, नाउ सब्ट्रैक्ट 14 माइनस 6 4 माइनस 9 मोशन करती तो 14 माइनस 9 5 6 सेंटीमीटर 0